नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि जब किचन को पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है, ईस्ट और साउथ ईस्ट दिशा के बीच में जब किचन को बनाया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब किचन को पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। दोस्तों, किचन कहाँ बनानी चाहिए? किचन बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी दिशा कौन सी होती है और क्यों होती है, उसके लिए मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना चुका हूँ। किचन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होती है, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किचन कहाँ बनानी चाहिए, कौन सी दिशा में बनानी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए। उस वीडियो में मैंने पूरे कारण बताए हैं, पूरे लॉजिक बताए हैं, तो आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको उस वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, किचन बनाने के लिए जो सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है वो होती है आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व दिशा। पर दोस्तों, आजकल के समय में कई बार जगह की कमी की वजह से या कई बार और भी बहुत सी वजह हो जाती हैं, तो क्या होता है कि उस वजह से किचन को हमेशा आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व दिशा में बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उससे क्या होता है दोस्तों, वास्तु के जो नियम है उनका उल्लंघन हो जाता है। दोस्तों, घर के अंदर कई तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं और तो जो भी एक्टिविटीज़ ये की जाती हैं उनके लिए वास्तु के अनुसार कुछ जगहें बताई गई हैं जो उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, उपयुक्त जगह होती है। अब जैसे दोस्तों, किचन है, किचन में भी एक्टिविटी की जाती है, खाना बनाया जाता है और भी कई काम किए जाते हैं, तो उस एक्टिविटी के लिए, किचन की एक्टिविटी के लिए जो सबसे आइडियल प्लेस, सबसे अच्छी जगह बताई गई आग्नेय कोण। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जब एक एक्टिविटी सेंटर को उसके आइडियल प्लेस से हटाकर दूसरी जगह पर बनाया जाता है तो एनर्जीज़ में चेंजेस आ जाते हैं, वास्तु की जो एनर्जीज़ होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। अब जब वो चेंजेस आते हैं दोस्तों, तो वास्तु के जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन हो जाता है। अब जब दोस्तों उल्लंघन होता है तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब किचन को पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं दक्षिण पूर्व दिशा को, क्योंकि ये आइडियल प्लेस होता है किचन बनाने के लिए। तो ये स्थान दिया गया है दोस्तों कामधेनु को। अब दोस्तों, कामधेनु को समझते हैं कि कामधेनु से क्या मतलब है। तो कामधेनु से मतलब ये है दोस्तों कि जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था तो उसमें से दोस्तों 14 रत्न निकले थे। अब वो जो 14 रत्न निकले थे दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो वो थे दोस्तों श्री मणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, धन्वंतरी, धनुधेनु, तरु, विष, चंद्र, अरु, वाज। तो दोस्तों, ये जो 14 रत्न निकले थे उन्हीं में से निकला था एक रत्न धेनु, मतलब काम धेनु गाय। अब दोस्तों, काम धेनु गाय, इसको सभी गायों की माता कहा जाता है और कामधेनु गाय दोस्तों वो देवी गाय है,
वह देवी है जो सभी मनोकामनाओं को सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। कामधेनु गाय किसी भी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को देने वाली होती है, इसलिए कामधेनु का सीधा संबंध भोजन से है और इसकी जो मात्रा है देने की वो असीमित है। और कामधेनु के लिए सबसे उत्तम स्थान दोस्तों बताया गया है आग्नेयकोण, जहाँ पर पाकशाला होती है। पाकशाला मतलब किचन होती है। तो दोस्तों कामधेनु के बारे में बात हुई, अब ये स्थान दिया गया है, दक्षिण पूर्व दिशा दी गई है शुक्र को। शुक्र इस दिशा के स्वामी हैं। दोस्तों भोजन में खाने में जो भी रस आता है, जो भी स्वाद आता है, वो सब शुक्र की वजह से ही आता है। अब क्या होता है दोस्तों कि जब ये एक्टिविटी सेंटर का प्लेस बदला, इसकी जगह बदली, तो सबसे पहले क्या चेंजेस हुए, क्या बदलाव हुए उनको समझते हैं। तो कामधेनु को लेकर गए दोस्तों शंख के स्थान पर। अब यह शंख के बारे में भी जानना जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, समुद्र मंथन के समय पर जो 14 रतन निकले थे, उनमें से एक रतन शंख भी है। शंख दोस्तों ये भगवान विष्णु का शंख, और ये जो शंख है भगवान विष्णु की प्रिय वस्तु है, सबसे अच्छी उनकी प्रिय वस्तु है, जिसका नाद, शंख का नाद विजय का द्योतक है। और दोस्तों इसे रखते हैं शंख को पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा, मतलब आग्नेय कोण। तो इसको रखते हैं पूर्व और आग्नेय कोण के बीच में। तो इसको वास्तु में जो स्थान दिया गया है, वो स्थान दिया गया है पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच की जगह। तो कामधेनु को ले जाया गया दोस्तों शंख के स्थान पर। अब ये जो क्षेत्र है दोस्तों पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच का, ये उष्ण क्षेत्र का केंद्र है, मतलब ये सेंटर है हॉट जोन का। अब दोस्तों शुक्र से संबंधित क्रिया को सूर्य के पास ले जाया गया, क्योंकि पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं सूर्य। तो जब किचन को पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में बनाया गया, तो किचन को ले जाया गया, शुक्र से संबंधित क्रिया को ले जाया गया सूर्य के पास। अब दोस्तों क्या होता है कि जब शुक्र, सूर्य, उष्ण क्षेत्र हॉट जोन और किचन का भौतिक ऊर्जा के क्षेत्र से ट्रांसफ़र, क्योंकि ये भौतिक ऊर्जा के क्षेत्र से किचन को अलग कर दिया, और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह में अड़चन, क्योंकि जो आध्यात्मिक एनर्जी का जो फ्लो होता है उसमें अड़चन आ जाती है किचन को यहाँ बनाने से। तो जब शुक्र सूर्य हॉट जोन और किचन का जो ट्रांसफ़र हुआ भौतिक ऊर्जा क्षेत्र से, और जो आध्यात्मिक ऊर्जा के फ्लो में जो अड़चन आई, रुकावट आई, इन सब के दोस्तों क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो अब ये दोस्तों दुष्परिणाम की हम बात बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि किचन को यहाँ बनाया गया दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में, और उसको बनाने से ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई, शुक्र सूर्य ऊर्जन वगैरह, ये सब आपस में मिल गए। तो दोस्तों घर का जो भोजन बनता है उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। बनता तो है भोजन, लेकिन घर के जो सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो उस खाने में, भोजन में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। और परिवार के सदस्यों का बाहर के बने बनाए भोजन की ओर ज़्यादा झुकाव होता है। मतलब जैसे होटल से खाना मंगा लेना या कुछ और मंगा लेना, लेकिन बना बनाया, तो बाहर का जो बना बनाया खाना है वो परिवार के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, घर का बना हुआ खाना पसंद नहीं करते। दोस्तों परिवार के सदस्यों में ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, रक्तचाप की समस्या हो जाती है, और परिवार के सदस्यों में डायबिटीज़ की बीमारी, शुगर की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों ये इस तरीके के दुष्परिणाम सामने आते हैं जब किचन को पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी।
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।